म डी स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस क्लास एट सब्जेक्ट साइंस लेक्चर थ्री ऑफ यूनिट थ्री व्हिच इज़ बायोटेक्नोलॉजी इस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ठीक है नाउ मूव टू द टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ हमारी डेली लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ हमारी डेली लाइफ में रोज़मर की जो ज़िंदगी है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल है देखते हैं कि किस तरह से वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं सम ऑफ द डेली लाइफ प्रोडक्ट्स आर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं कुछ डेली लाइफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम देखते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स फूड क्रॉप्स एंड डिफरेंट मेडिसन्स बेकरी की प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं लाइक चीज़ ब्रेड एंड वनीगर ठीक है जैसे हमारे पास पनीर हो गई ब्रेड हो गई या सिरका वगैरह हो गया ठीक है तो इसमें हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इसके अलावा हमारे पास फूड क्रॉप्स जो हमारे पास क्रॉप्स वगैरह हैं उनको मॉडिफाइड किया जाता है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक से फ़ूड क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जाता है उन्हें चेंज किया जाता है ताकि हमें अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी जो है वो आ, मिल सके इसके अलावा डिफरेंट मेडिसन्स ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं जिसमें हमारे पास आती है मेडिसन्स लाइक इंसुलिन फॉर डायबिटीज़ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स जैसे कि डायबिटीज़ के लिए जो है वो इंसुलिन प्रिपेयर की जाती है डिफरेंट इन्फेक्शनस वगैरह के लिए वैक्सीनेशन प्रिपेयर की जाती हैं और एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बनाई जाती हैं तो ये कुछ हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी से लेते हैं ठीक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है मॉडिफ़िकेशन हम कहते हैं चेंज करने को एंड जेनेटिक मीन जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ द चेंज इन जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑर्गेनिज़म्स यूजिंग बायो टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स ठीक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या है जिसमें हम जेनेटिक मटीरियल को चेंज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करके ठीक है बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन दिस चेंज कैन बी प्रोड्यूस बाय रिमूवल और मॉडिफ़िकेशन ऑफ जीन्स ये चेंज किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है या तो हम जीन्स को चेंज कर देते हैं या उस जीन को रिमूव करके वहाँ पे अपना कोई डिज़ायर जीन जो है वो ऐड कर देते हैं तो इस तरह से हम उसको उस चेंज को ला सकते हैं ठीक है दिस प्रोसेस इज़ यूज इन क्रॉप टू डिवेलप मैनी कैरेक्टेरिस्टिक्स इन प्लांट ये प्रोसेस जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स में ताकि हम बहुत सारी प्लांट के अंदर कैरेक्टेरिस्टिक्स को डिवेलप कर सकें बहुत सारी खसूसियात जो है वो हम डिवेलप कर सकें ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी को उसकी हील्ट को इंक्रीज कर सकें और एंड द सेकेंड वन उसको डिजीज़ से रेजिस्टेंस बना सकें ठीक है डिजीज़ रेजिस्टेंस हो प्लांट के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कोई भी डिजीज़ एक्ट नहीं कर रही नाउ व्हाट आर जी एम ओज़ जी एम ओज़ क्या हैं जी एम ओज स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स द ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स आर मॉडिफाइड आर कार्ड द जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और द ट्रांसजीनिकर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन को हम चेंज कर देते हैं मोडिफाइड कर देते हैं चेंज करने से मुराद यह है कि वहाँ पर हम अपना कोई डिज़ायर जीन डाल देते हैं अपनी मर्जी का कोई जीन डाल देते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट वैसी मिल सके ठीक है तो उस ऑर्गेनिजम को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर ट्रांसजीनिकर्गेनिज़म्स यूज़फुलनेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीन हम चेंज कर देते हैं उनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है क्या बेनिफिट्स हैं हमें फिर उन ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम से उसको हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन वैराइटीज़ ऑफ प्लांट आर रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू यानी कि जीन्स को चेंज जब हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं वैराइटीज़ है प्लांट्स की जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से रेजिस्ट कर लेते हैं ख़ुद को बचा सकते हैं ख़ुद को उनके अंदर गिएबिलिटी आ सकती आ जाती है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल रिंग स्पॉट वायरस रेजिस्टेंस जीएम पपाया ठीक है यानी जीएम पपाया मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड पपाया पपीता जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है जिसमें अब ये एबिलिटी है कि वो ख़ुद को रेजिस्ट कर सकता है वायरस से जो कि रिंग स्पॉट वायरस है उससे वो ख़ुद को रेजिस्ट कर सकता है अगर वो वायरस उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो उसको रेजिस्ट करे वो वायरस उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता ठीक है similarly researchers trying to produce transgenic chicken that will be resistant to bacterial infection that cause food poisoning इसी तरह से जो researchers हैं जो research करते करते हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो transgenic chicken भी produce करे ठीक है transgenic chicken के ऐसा chicken जिसके अंदर ये ability हो कि वो किसी भी किस्म के bacterial infection से खुद को resist कर सके ताकि food poisoning ना काज हो सके ठीक है सेकेंड वन इज़ द इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड क्वालिटी ऑफ फ़ूड हम न्यूट्रिशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और फूड की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ठीक है जी एम स्वीट पोटैटोज हैव बिन इन्हेंसड विद प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिय स्वीट पोटैटो को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है ताकि उसके अंदर प्रोटीन और बाकी जो न्यूट्रिय हैं वो बढ़ सकें वो इन्हैंस हो सकें ठीक है इस तरह से हमारी न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव होती है और फूड की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है ठीक है ड्यू टू जी एम बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम फ्रूट और वेजिटेबल्स की भी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसजीनिक चिकन्स आर रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसी तरह से ट्रांसजीनिक चिकन्स जो हैं उनके अंदर यह एबिलिटी होती है कि वो खुद को बचा सकें किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो सके एंड सिमिलरली ट्रांसजीनिक काउस प्रोड्यूस मिल्क मिल्क और में लेस लैक्टोज और कोलेस्टरोल ट्रांसजीनिक काउज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं या मिल्क जो है उसमें लैक्टोज़ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है लैक्टोज जो है एक शुगर है जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है और कोलेस्ट्रोल्स कोलेस्ट्रोल जो कि फ़ैटी मटेरियल्स होते हैं ठीक है तो ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं किस तरह से ये सारी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि इनके इनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है मींस के फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास काओ की एग्जांपल है कि वो ज़्यादा दूध देती है तो हमने उसमें ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया है किसी और काओ से लेके जिसमें मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छी है ठीक है इसी तरह से जैसे हमारे पास चिकन की एग्जांपल है तो चिकन में हमने किसी और चिकन का जो जीन है वो इंट्रोड्यूस किया है जिसके जिसमें ये एबिलिटी थी कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस शो कर सके ठीक है तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर थैंक यू